नमस्कार साथियों, हम आपको आज एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो कहीं न कहीं आपके अंदर के विल पावर को जगा दे। तो यह स्टोरी रेगिस्तान के एक चरवाहे मेघा की है। मेघा रोज सुबह जल्दी उठता और मटके में पानी, पोटली में गुड़, बाजरे की रोटी बांधता और गायों को लेकर निकल पड़ता। वहीं पास के टीले पर बैठ जेब से अपना प्यारा सा मोर चंचल निकालता और बड़े चाव से आ जाता। एक दिन शाम को मेघा घर लौटने की तैयारी में था। उनके मटके में थोड़ा पानी रह गया था, तो उन्होंने पानी एक गड्ढे में डाला और निशाने के लिए एक पत्थर रख दिया और उसे आग के पत्ते से ढक दिया। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो सूर्य अस्त होने को था। गायों को लेकर घर ले आए और अगले दिन जब मेघा गायों को लेकर जंगल की ओर गया तो उसे दो तीन दिनों तक वह गड्ढा नजर नहीं आया जिस गड्ढे में वह पानी रखा था। चौथे दिन अचानक उनकी नजर आग के पत्ते पर पड़ी जिससे उसने पानी को ढका था। उन्होंने जाकर आग के पत्ते को देखकर हतोत्साहित हो गया और आग के पत्ते को हटाया। पानी तो नहीं था, पर उन्हें चेहरे पर ठंडी भाप लगी। उनके मस्तिष्क में बिजली सा प्रकाशित हुआ और कुछ सोचने लगा। उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ कुपड़ी में तीन दिन तक पानी का नहीं बन सकती है, तो यहाँ तालाब क्यों नहीं बना सकता? तो मेघा भगत ने संकल्प लिया कि वह अकेला ही तालाब बनाएगा। वह हमेशा कुदाली फड़ लेकर तालाब होता रहता था। कई वर्ष बीत गए, मेघा भगत हिम्मत नहीं हारे, शर्म जारी रखा। समय के साथ मेघा का कठिन परिश्रम गांव वालों को दिखने लगा। सही कहा गया है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ी बरसात हुई, पानी इकट्ठा हो गया, गांव वाले फूले समा रहे थे। हर कोई मेघा का गान गाने लगा। बच्चे बूढ़े औरतें सभी मिलकर कार्य करने में जुट गए और वह कार्य 12 वर्षों तक चला। एक दिन कार्य करते वक्त मेघा की मृत्यु हो गई। तब तक तालाब का कार्य पूरा हो चुका था। वही मेघा भगत को आज रेगिस्तान में भगवान के रूप में पूजते हैं और वह तालाब नहीं सागर हो गया जिसे आज मेघा सागर के नाम से जाने जाते हैं। और हमारा यही रेस्ट है आज के लिए। बस इतना ही। साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक आप सबको सुस्वागत है।